रिक्टो वर्ड शायद दो लाइन में आ सकते हैं, टू लाइन में आ तो ये आ सकता है। सो फर्स्ट इज रिटोर्शन, पहला आता है रिटोर्शन, ये सबसे पहले होता है कि उसका जो भी चीज है वो तो उसको वापस कर दो। रिटोर्शन का यहाँ पे एग्जैक्टली मतलब दिया है, इट इज द एम्प्लॉय टू इंजर द रॉन्ग डूइंग स्टेट, ये इसका दो लाइन का एक लाइन का जवाब है। व्हाट इज रिटोर्शन, इतना ही लिखा है इसमें, इट इज फिट टिक फॉर टेट, जो टिक फॉर टेट बोलते हैं उसने जैसा कहना ऐसा ही करो। ये कुलभूषण के केस में या तो कुंडवा काम है, ये हमने रिटोर्शन किया था, आपने बार बार सुना भी था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो हेडलाइन भी दिया था, दिस अ रिटोर्शन बाय इंडिया। तो रिटोर्शन का मतलब था वो जो भाषा समझता है वही भाषा में उसको जवाब देता, सो दैट इज रिटोर्शन। एम्प्लॉय टू इंजर द रॉन्ग डूइंग स्टेट, आप जिस जो रॉन्ग डूइंग स्टेट है उसको उसी की भाषा में समझ, फर्स्ट। सेकंड इज रिप्रेजल, रिप्रेजल दैट इज एक्शन टेकन अगेंस्ट अनदर डिस्प्यूटेड टू रिपे द सेम इंजरी, आप उसको भी वही इंजरी देते हैं जो उसने आपको किया, जैसे पुलवामा में हमारे वहाँ इन्होंने बस उड़ाया, हमारे सैनिकों को उड़ाया, हमने भी उसका सैनिक कैंप उड़ा दिया था। रिटोर्शन का मतलब होता है जस्ट जवाब देना, उसने जो किया उसके सामने आपने जवाब दिया, जैसे कारगिल में हुआ था, हमने सिर्फ जवाबी हमला किया था और अपना क्षेत्र वापस ले लिया, जबकि इसमें रिप्रेजल में देखिए यहाँ पे ऐसा ना एक एक स्टेप चढ़ते जाएंगे इतना स्ट्रिक होते जाएगा, मतलब और ज़्यादा गहरा सीरियस मैटर होने लगे। सो सेकेंड इज द रिप्रेजल, थर्ड इज द पैसिफिक ब्लॉकेज, जो मैंने आपको बताया पैसिफिक ब्लॉकेज मतलब उसका हवाई मार्ग बंद करो, उसका पानी का रास्ता बंद करो, सो जो उसको कराची से ऐसा कितना लंबा घूम के जाना पड़ता है कोई भी स्टेट में जाना, या हवाई से जम्मू कश्मीर के ऊपर से पाकिस्तान एयरलाइंस का प्लेन चला जा सकता है पर नहीं जाने को, ऐसे भी ब्लॉक कर दिया, सो उसके रास्ते रोक देने के। अब इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक बड़ा मार होता है, इतना आप समय पर चीज़ें नहीं पहुंचा सकते। पाकिस्तान इज वेरी गुड सप्लायर ऑफ जूट राइस एंड पान, खाने का जो पान है, आज भी खाने का पान आप कलकत्ती या बनारसी बोलते तो आता हो पाकिस्तान, आज भी आप चाव लेके खाते हैं और गाली उसी को आप उधर आके गाली देते, पान हम उधर के खाते हैं आज भी, शक्कर हम आज भी इसकी यूज़ करते हैं, चीनी सबसे बड़ा प्रोडक्ट वहाँ से आता है, ठीक है, आपका यूपी बनाता है, भारत से बनाता है, पर जितने लोग हैं अब देखिए इसमें से भी शायद 20% लोगों को शुगर होगा इंक्लूडिंग, क्यों है, क्योंकि हम सल्फर चीनी जो पाकिस्तान से आती वो खाते हैं, तो वो धीमा जहर आपको दे रहा है। लोग पैसिफिक ब्लॉकेज, देन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है उसके स्टेट अफेयर में इंटरवेंशन करना, जैसे वो कर रहे थे जाली नोट छाप के भेज देते थे या हमारी चीज़ों में, आज पीओके में इंटरवेंशन ही कर रहे हो, तो इंटरवेंशन का मतलब होता है उसके स्टेट में घुसो और उसके इकोनॉमी को डैमेज करो, जैसे वो नोट छाप लेते हैं या यहाँ के गलत सप्लाई करते हो, सो दैट इज अ इंटरवेंशन। देन यू हैव अ वॉर, नहीं समझा तो फिर वॉर, और उसके बाद उसका कोई नहीं समझ रहा है तो देन यू हैव अ वॉर। आप यूक्रेन और रशिया का जो 2 साल पुराना इतिहास है वहाँ देखो, धीरे धीरे चालू हुआ था, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ सोवियत यूनियन ओनली, ये जो यूक्रेन है वो इंटरेस्टिंग जो USSR था 92 के समय जो मिखाइल गॉर्बचोव ने डिसॉल्व कर दिया था, वो क्या हम पहुँच नहीं पा रहे, इतना बड़ा स्ट्रक्चर हो गया हम उसको तोड़ रहे थे, तो दे डिफिटेड इनटू द 11 स्टेट, ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो स्थान है पाकिस्तान को छोड़ के, उससे उधर का टुकड़ा है, उधर का पीसिस है, उसमें से ये यूक्रेन का जो पार्ट ऑफ रशिया था, बट उसका लैंग्वेज कल्चर अलग था तो वो भी अलग हो गया। सो यू सी द 2 ईयर्स बिफोर ये रिप्रेजल रिटोर्शन सब हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, पहला धमाका उधर जाके कर दिया रशिया, सो दैट इज वॉर, दैट वॉज द लास्ट। सो पब्लिक वॉर है, प्राइवेट वॉर है, मिक्स वॉर है, कभी कभी जैसे ये शिवाजी महाराज करते थे ऐसा साइलेंट वॉर होता है, आप हमला करके वापस आ जाओ तो पता भी नहीं चले कहाँ कितने बम पड़ा था, आप देखिए पहले कहीं पे भी बम पड़ता था नाम बोल जाएगा पाकिस्तान का, तो अपने लोगों में चलन नहीं है और चलन नहीं, उसका ही हर बार नाम लेते थे पाकिस्तान का, और उसका जितना बड़ा कानून से भी बड़ा आते इंडिया तक पहुँच जाता है, आप सभी लोगों को ब्लैक पैंट इसीलिए पहनाया जाता है कि पैंट पेन ना हो, काली चीज को पेंट नहीं होता है, काला पेंट पहनाया जाता है, और सफेद ये ड्रेस कोड में फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर में था ड्रेस कोड में,
कि वाइट इसलिए बनाया जाता है ऊपर के आप फोकस रहो, और ब्लैक इसलिए बनाया जाता है कि जज तो बैठा है, खड़े तो वहाँ पे, तो खड़े खड़े आपके पैर सूज ना जाए, इसलिए काला पैंट। काले को कोई फर्क नहीं पड़ता, काले को कौन सा भी कलर डालो ना सफेद के लिए वो और गहरा काला हो जाता है, इसलिए बनने काला। ऐसे तो बहुत सारे महीने, तो दिस इज ऑल दैट फोर फुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट। हालांकि नहीं आएगा पर आया तो आपको ये दो तारीख दो तीन लाइन में आएगा, व्हाट इज रिप्रेशन, व्हाट इज रिटॉर्शन, या व्हाट इज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है दखल अंदाजी, शादी मराठी भाषा में या हिंदी में, हिंदी में बोलते उसके राज्य में दखल अंदाजी कर, उसके इकोनॉमिक को खराब कर। आज भी बहुत सारे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विच आर यूजिंग दिस इंटरवेंशन ऑफ चाइना। आज भी है बहुत सारे लोग है जो चाइना का यहाँ पे बोलता रहा। So this is all peaceful means of settlement and forceful means of settlement. Now your fifth and last is the UN also. United Nation Law of Sea. UN LOC category. Now Law of Sea, it is made of 1945. But from 1945 this act has come. Okay, जहाँ पे इन्होंने international boundary या देख तो उसको आप बोल सके तो पिक्चर से ड्रॉ कर लेते। मैं आपको बता रहा हूँ पुणे का स्टेट जिसे बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे यू नो इज लाइक दिस, बॉम्बे एक आइलैंड है बाहर निकाल। अब क्या होता है डिप्रेशन है कहीं ऊपर ऊंचा हुआ है, तो हर एक जगह से जो भी इसका पार्ट है वहाँ से बराबर 12 माइल तक का जो भी एरिया है दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर। फर्स्ट पहला इंटरनेशनल बॉर्डर या नेशनल बॉर्डर होता है उसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। इसके ऊपर मेंबर मतलब स्टेट का ही एक्सक्लूसिव राइट होता है, यू कांट एंटर इन दिस। इसलिए मछुआरे को भी होता है कि यहाँ तक जाना है, जो मैंने आपको बोला ना आप गेटवे पे जाएंगे तो आपको दूर दूर सब शिप दिखेंगे, ये ऑल आर आफ्टर 12 नॉटिकल माइल। अब देखिए आपके बुक में कहीं कहीं माइल ही लिखा है, तो माइल ही लिखा, इट्स नॉट अ नॉटिकल माइंड। नॉटिकल माइंड का मतलब होता है वो फील्ड पे होता है, तो आपको माइल आप देखिए आपके बुक में क्या लिखा है, इट इज ओनली रिटन माइल। सो 12 माइल लिखा है तो माइल ही लिखा, नॉटिकल माइल मत लिखो। सो 12 माइल इज द योर टेरिटोरियल वाटर, उससे और आगे 12, पहले 12 ये पहला हुआ टेरिटोरियल वाटर, फिर उससे आगे 12 मतलब टोटल 24 हुआ, या टेरिटोरियल वाटर से और 12, दैट इज कॉल्ड इनोसेंट पैसेज, इट इज कॉल्ड इनोसेंट पैसेज। वहाँ हर एक शिप जा सकती है, इसे इनोसेंट पैसेज कब जा सकती है, विद देयर ओन फ्लैग्स एंड वाइट फ्लैग। अब ज़्यादातर वो शिप में देखिए अगर उनके पास वाइट फ्लैग है तो वो अपने नेशन का भी फ्लैग रखेगा और वाइट कलर का भी फ्लैग रहेगा, उसका मतलब है मुझे शांति से इधर से पास होना चाहिए। व्हाइट फ्लैग उसके लिए होता है कि मुझे यहाँ से साथ इनोसेंट पैसेज। नाउ व्हाई पीपल यूज दिस इनोसेंट पैसेज फॉर फिलिंग अ फ्यूल, खत्म हो गया तेल खत्म हो गया, तो यहाँ से जहाज 12 मीटर के बाद जाएगा, वहाँ खड़े हुए जहाज के अंदर फिलिंग करेगा। आपने हवा में भी देखा होगा ना एक प्लेन दूसरे प्लेन में फ्यूल भरता है, ऐसा यहाँ पे फ्यूल। सो 12 to 24 इज योर इनोसेंट पैसेज। इसमें दोनों का इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लोगों का भी है और नेशनल का भी ज्यूरिडिक्शन है, मतलब दोनों यूज कर सकते, यू कैन बाइंड। अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो गुजरात का नाम बोल दिया मैंने और कराची इतने पास है 12 माइल के बीच का रीजन है, जैसे मछुआरे क्या होता है कभी निकलते हैं तो हवा से उधर चले जाते हैं, पाकिस्तान बोलता है मेरे टेरिटरी में आया हम जाने गया बंदी बना देते। सो दिस 24 इज अ इनोसेंट पैसेज वेयर बोथ मेंबर नेशन, मेरा भी हक रहेगा अगर मैं इंडिया का हूँ तो मेरा भी उसमें ज्यूरिडिक्शन है और इंटरनेशनल लोगों का भी है, मतलब दैट इज वाई इट इज कॉल्ड टेरिटोरियल इनोसेंट पैसेज। इसके बाद आपको बहुत बार ये क्वेश्चन आता है 24 माइल के बाद आपके बाउंड्री से 24 माइल के बाद आईसी, ये किसी के बाप का नहीं। आईसी का मतलब है आपको आता है बड़ा फ्रीडम ऑफ आईसी, आईसी का मतलब होता है आपको जो करना है करो वहां से। अब जैसे यहाँ पे भी जहाज कुछ हद तक ऊपर जाता है फिर सीधा होता है,
अच्छा ठीक है, जहाज में फिर आपको लगता है हाँ अभी हम बादलों में सैर कर रहे हैं, तो वो उनका माइल होता है कि उसके बाद ही जाना। ऐसा यहाँ पे भी जैसे 24 नॉटिकल माइल पार किए, अब वहाँ कोई रेखा तो होती नहीं, वो अभी तक भी नहीं हुई तो वहाँ कैसे होती, तो वहाँ नहीं होती नहीं। तो 24 माइल के बाद आपका हाई सी आ गया, इट इज फ्रीडम ऑफ हाई सी, आप वहाँ से जाओ घूमो, कोई कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादातर जो रिसर्च करने वाले होते हैं, मरीन डाइवर्स होते हैं, वो वहाँ जाके करते हैं। आपने सुना हुआ है इसने इंग्लिश चैनल पार किया, इसने यहाँ का गेटवे से लेके उधर तक, इधर से इधर तक आके गया मांडवा तक। तो ये सब 24 माइल हाई सी, फ्रीडम ऑफ हाई सी में आता है। तो ये तीन आपको समझ में आ गए, ये सीधे अब गहरे में जाएंगे, अब नीचे जाएंगे। नाउ ये जो आपका 12 मीटर का जो आपका टेरिटोरियल वाटर है, उसी के नीचे आप देखिए, ऐसे तो नहीं है, आपने टॉट में भी पढ़ा था एरियल हाइट, एरियल हाइट पढ़ा था ना, एंटीना लगाते थे पहले घर के ऊपर, अभी डिश लगाते पहले एंटीना लगाते थे, उसको एरियल बोलते थे। फिर मैच नहीं आती थी तो बोला जा घुमा, हाँ हाँ अभी आया रुक जा, हवा से ऐसा ऐसा होता रहता था, वही एरियल। आपने जमीन लिया तो उसका जमीन से लेके 100 फुट तक आपका है, उसके बाद नहीं तो बोले लैंड इधर से भी जाता है, मैंने जमीन करी ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे पानी में भी 200 मीटर डेप्थ रहता उसके का रहता, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के 200 मीटर तक जो भी निकले वो मेरा। पन्ना आपको पता है यहाँ एमपी में, यूपी और एमपी के बॉर्डर में पन्ना के, पन्ना एक एरिया है एमपी का, वहाँ आपको ऐसा 1 लाख जितना जगह मिलेगा, बोलेंगे 50,000, फिर उसको प्रदान करो से जो भी निकला वो आपका। ज़्यादातर पन्ने निकलते, ज्वेलरी निकलती, वो वहाँ से निकलती। ऐसे ही यहाँ पे 200 मीटर तक आपको जो भी करना है वो आपका, 200 मीटर के बाद वापस से इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। इसलिए जो ये केबल चलता है, केबल चलता है बीच में, जो ये आईफोन यूज़ कर रहे थे उनका नेटवर्क बंद हो गया था, क्योंकि शिप ने वो वायर तोड़ दिए थे नीचे से, पटूटी सबमरीन आपका उतना नीचे चलता है। आपने वो देखा था ना गाजी सबमरीन का दिया, ये टू स्टे विद 200 फीट ओनली, ये 200 मीटर का उनको कॉन्टिनेंटल शार्ज किया। अब यही जो आपका इनोसेंट पैसेज है 12 से 24 के बीच में, उसमें और एक चीज आती है, ज्यादातर शॉर्ट नोट में आता है, आपके पास किसी के पास लिखा नहीं है, या ईजेड लिखा होगा उधर बाजू में देखो लिखा होगा 2015 2016 2017 2020 22 ईजेड हर साल आता है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपका भी राज है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी राज है, दोनों का चलता है। तो वहाँ से एक तो उसको इनोसेंट पैसेज भी बोला है, और वही ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो उसमें आपको मरीन कोरल जो भी तेल भी निकालते हैं ना, यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन है, गवर्नमेंट ने उधर 300 मीटर तक खोदा कुछ नहीं मिला, और रिलायंस को पता था कि वहाँ तेल तो है, वो यहाँ बैठे बैठे दिए जैसे में बैठे बैठे उसने देखा था कि वहाँ तेल है, उसने बोला ठीक है हम ले लेते, बहुत मायूस हो गए रिलायंस, बोला था हम ले लेते, उसको पता था कि 380 मीटर के वाइल है, उसने खाली 80 मीटर खोदा, और आज भी उसका तेल खत्म नहीं हो रहा है कृष्णा गोदावरी। बाद में आंध्र प्रदेश को पता चला सारा है, तो उन्होंने ना नहीं दिया हमसे इतना पैसा, बैरल का पैसा देता और इतना तेल निकालता है। आज भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में TG Basin 6 का, वो TG Basin 6 ही बोलते हैं, दैट इज आफ्टर अप टू 200 मीटर यू हैव अ कॉन्टिनेंटल सेल, मतलब कि उतना एरिया आपके लिए, एंड देन यू हैव ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे आपको जो भी बिजनेस करना है, जो आपकी कमर्शियल ट्रिप है, कमर्शियल व्हीकल है, वो सब चलाने का आपको फ्रीडम है, जहाँ पे इंटरनेशनल रिसर्चर भी आ सकते हैं, इसलिए वो इनोसेंट पैसेज में रखा है, सो दैट किसको तेल भरने का गाड़ी है तो वो भी उधर से पास हो सकता है, किसको इमरजेंसी है, शिप खराब हो गया तो यहाँ से ब्रेक डाउन शिप जाएगा उसको खींच के लेके आएगा, सो दैट इनोसेंट पैसेज इज ऑल्सो यूजफुल। सो ये इंटरनेशनल तय हुआ था UN, या आपको कभी कभी सीधा ऐसे ही आएगा UN
UNCOIL, United Nations Convention for Law of Service. UNCOIL, United Nations Convention on Law of Service. या abbreviation में short नाम में हाँ आप होगा ये तो पढ़ा ही नहीं. यह कुछ नहीं नहीं चाहिए जब. और मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, यू ड्रॉ द पिक्चर, स्टेट लिखो, उसके आजू बाजू ड्रॉ करके बताओ. दैट विल बी इजी. फिर लिखो ना नीचे, फिर लिखो. आपके क्वेश्चन में सबसे ऊपर दो सूचनाएं होती है, राइट टू क्वेश्चन विल बी गुड मार्क एंड इफ पिक्चर इज रिक्वायर्ड. आप कभी कभी पढ़िए अपने पेपर को ऊपर, सबसे ऊपर. आपके पेपर में कभी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता होता है, वहाँ सब्जेक्ट लिखा होता है, पब्लिक इंटरनेशनल हो या एग्जाम नहीं लिखा. ऊपर आपका दो घंटा लिखा होता है, इधर सोम साठ मार्क लिखा होता है, इधर आपका टाइमिंग लिखा होता है, और उसके नीचे दो सूचनाएँ होती हैं. मेरे पेपर में वो सूचना जरूर डालता हूँ कि राइट टू फिगर्स. अगर आपके पास कोई फिगर से समझाने लायक है तो फिगर से करो. ऐसे बहुतों को लगता है फिजिक्स का या साइंस का पेपर थोड़ी कि हम फिगर करो, क्योंकि यू कैन ड्रो. आप स्टेट बनाइए, उसे 12 मार्क करिए, 24 मार्क कीजिए, इनोसेंट प्रेशर ड्रॉ कीजिए. सो दिस ऑल आर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ एंड सी, जो आज तक सभी ने माना है एक्सेप्ट द अफ्रीकन नेशन. अफ्रीकन नेशन आर स्टिल नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस यूएनएलओसी का. तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास ये एक ही जरिया है, अगर हम पायरेसी नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे. तो उन लोग ने अभी भी इसको नहीं माना. आज भी ज़्यादातर इंटरनेशनल ICJ में जो केस चल रहे हैं उसमें से 80% केस ये पायरेसी के होते हैं, ये लॉ ऑफ सी के होते हैं. क्योंकि यहाँ कोई सीमा नहीं ना, मैंने बोला रेखा है कि, तो कैसे पता चलेगा मैं आगे चला गया है पीछे चला गया है. वैसे सिर्फ वालों को पता होगा, फिर भी कभी कभी वो लोग भी ऐसा चांस ले लेते. ये जो 12 से 24 है ना, ये सबसे सेंसिटिव है. जो कांड होने होते हैं वही पे होते हैं, क्योंकि वो दोनों का मिक्स जुरिडिक्शन है ना, तो वहाँ सबसे ज़्यादा है. तो दीज आर योर फाइव मेन क्वेश्चन. स्टेट रिकग्निशन ट्रीटी इन पाकिस्तान. ट्रीटी नाउ, ट्रीटी में सबसे पहला है पैक्टा सन सरवंडा, वो तो मैंने आपको बोल दिया. जो ट्रीटी किया है उसका टर्म्स को सर्वाइव कर. नो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज अलाउड अंडर द ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन. ये देखिए, ये भी कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ. सो कन्वेंशन या ट्रीटी में ज़्यादातर रिजर्वेशन नहीं होता है. इज नॉट बीन एडवाइज टू गिव द रिजर्वेशन. ट्रीटी को रखते हैं अपन. नाउ विल गो टू ट्रीटी. नाउ काइंड्स ऑफ ट्रीटी, ये दो लाइन में आता है कभी कभी या शॉर्ट फॉर्म में आता है. काइंड्स ऑफ ट्रीटी, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ अ ट्रीटी. तीन तरह की ट्रीटी होती है. एक होता है प्यूरीलेटरल, दूसरा मल्टीलेटरल, और दूसरा है बाईलेटरल, और तीसरा है मल्टीलेटरल. प्यूरीलेटरल का मतलब होता है वन पार्टी इज बाइंडिंग. उसे बहुत ज़्यादा गरीब नेशन भी है जिनको हम दे ही सकते, उसे ले कुछ नहीं करते. जब कोई ऐसा ICCPR, UDHR, CEDAW ऐसे जो इंटरनेशनल आते जिसमें इंडिया को सही करना होता है, तो इट इज कॉल्ड मल्टी लेटर. सो देर आर मल्टी स्टेट आर बाइंडिंग. लाइक साथ में आपके 8 नेशन हैं, G21 अभी हो गया तो उसमें 21 नेशन है, या UN का कोई आता है तो देर इज 203 मेंबर नेशन. राइट नाउ ट्रीटी, स्टेजेस ऑफ ट्रीटी. ट्रीटी में दो ही चीज़ें, एक तो व्हाट इज ट्रीटी, वट आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी एंड वट आर द स्टेजेस ऑफ ट्रीटी. ये इसमें से कुछ भी एक ही आता है. सी ट्रीटी और रेकग्निशन ऑप्शन में आता है, एक बार ट्रीटी आया तो एक बार रेकग्निशन. ये दोनों आपको एक पेपर में मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि इसका मार्क ऐसे डिवाइड है, मार्क एलोकेशन ही ऐसा है. ट्रीटी में सबसे ज़्यादा स्टेजेस ऑफ ट्रीटी है. देखिए शॉर्टकट कभी मत मारिएगा.